हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल फाइव स्टूडियो में। दोस्तों, आज मेरे पास एक जियो फ़ोन है। इस फ़ोन का मॉडल है F220B। इस फ़ोन का प्रॉब्लम है, ये वन तो होता है लेकिन इसका पूरा कीपैड वर्किंग नहीं करता, सिर्फ पावर की वर्किंग करता है और सारे कीपैड काम नहीं करता। दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को हम देखेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा, पूरा वीडियो देखेगा। दोस्तों, ये फ़ोन ऑन हो चुका है, देखिए ऑन, देखिए ये पूरा काम नहीं करता। दोस्तों, आप देख सकते हैं, तो दोस्तों इस फ़ोन का ज़्यादातर प्रॉब्लम दो तीन जगह से आते हैं। पहले इसको रिमूव कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका मॉडल F220B। दोस्तों, फोन खोलने के बाद आपको सबसे पहले इस पत्ता को उठाना है। देखिए, ये वाटर डैमेज होने के कारण भी ये प्रॉब्लम आते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल क्लीन है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस यहाँ पर रीडिंग लेते हैं। देखिए दोस्तों, रीडिंग सभी पे दिखा रहा है, फिर भी ये वर्किंग नहीं करता। तो दोस्तों, पहला स्टेप है, इस पत्ते को उठाने के बाद अगर यहाँ वाटर डैमेज हुआ है तो इसको क्लीन कीजिए, फिर भी ये प्रॉब्लम चला जाएगा। और दो नंबर, अगर ये क्लीन है, देखिए जैसे मेरा ये फ़ोन क्लीन है, तो आप ये चार्जर कनेक्टर को भी देख सकते हैं, इसी में वाटर जाने के कारण ये भी डैमेज होता है। तो दोस्तों, ये बोर्ड पूरा क्लीन है। अब फिर दोबारा इसको मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये फ़ोन ऑन हो चुका है। देखिए, इसका कोई वर्किंग नहीं है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये फ़ोन ऑन होने के बाद हैंग होकर रह जाता है। देखिए, किसी में भी काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत आसान है। आपको इसको रिमूव कर लीजिए पैनल को। दोस्तों, ये फ़ोन का कीपैड में जो लाइन आते हैं, ये कीपैड का लाइन
सीधा सीपीयू से आते हैं, ये जो आईसी है इस आईसी से आते हैं दोस्तों। दोस्तों ये कीपैड का लाइन सही दिख रहा है, ये ऑन होके हैक हो जाके रह जाता है। तो दोस्तों ये पहले आपको पता उठाना है, अगर ये वाटर है तो इसको क्लीन कीजिए, या तो फिर इस चार्जर कनेक्टर को देखिए, इसमें वाटर जाने के कारण भी ये प्रॉब्लम आते हैं, ये भी क्लीन है। तो दोस्तों अगर सही है सब कुछ, आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल सही है, तो आपको इस आईसी को थोड़ा सा हीट करना है। दोस्तों सभी में थोड़ा सा पेस्ट दे दीजिए, ताकि आईसी में ज़्यादा हीट लगने से कारण खराब बल्ब ना हो। उसको थोड़ा सा हीट करना है बस, इसको रीसोल्डर कर लीजिए। दोस्तों अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए। अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लेना है। अब इसको ऑन करके चेक करता हूँ दोस्तों। तो ये फोन ऑन हो चुका है, इसको चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये काम करना चालू कर दिया, आप देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से ये जो प्रॉब्लम आते हैं जियो फोन में, इसी तरह से आप प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये रिसोल्डर करके भी नहीं हुआ तो इसका सीपीयू को बदलना है।
फिर भी ये काम कर जाएगा। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम ये चार्जर कनेक्टर से भी आते हैं या तो फिर कीपैड से भी आते हैं, और एक दो चार बूटम काम नहीं किया, कोई भी 7 हो या 8, दो एक बूटम काम नहीं किया तो उसका आपको लाइन का जो ट्रैक होते हैं उसी से जम्पर करना पड़ता है आपको। लेकिन यह पूरा फ़ोन का कीपैड ही वर्किंग नहीं कर रहा था, इसीलिए ये सीपीयू को थोड़ा सा रिसोल्डर करने से हो गया। आज के वीडियो इतना ही, फुल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।